गुड मॉर्निंग ऑल द डियर स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट अवर सेकंड पार्ट ऑफ ए गुड रिपेयर ऑफ बाईसाइकिल। ही देन सेड दैट व्हाइल ही वाज अबाउट इट ही वुड सी टू द चेन फॉर मी। उसने कहा था कि जब वो यहाँ पर है तो मेरे लिए इस चेन का निरीक्षण करेगा। सी टू द चेन का अर्थ है चेक और एग्जामिन द चेन, चेन को चेक करना या निरीक्षण करना। एंड एट वंस बिगेन टॉकिंग टेकिंग ऑफ द गियर केस। एट वंस तुरंत ही बिगेन शुरू कर दिया टेकिंग ऑफ उतारना द गियर केस, गियर केस को। ये गियर केस होता है जिसपे हम जहाँ साइकिल के पैडल लगाते हैं वो, जिसके ऊपर चैन चढ़ाई जाती है उसको हम गियर केस बोलते हैं। आई डिड ट्राई टू डिसवेड हिम फ्रॉम दैट। मैंने उसे ऐसा करने से रोकने का प्रयत्न किया। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, व्हाट एन एक्सपीरियंस्ड फ्रेंड ऑफ माइन वंस सेड टू मी सोलेमनली, कि मेरे एक अनुभवी मित्र ने मुझे इसके बारे में बड़ी गंभीरता से क्या बताया था। इफ़ एनीथिंग गोज रॉन्ग विद योर गियर केस, यदि आपके गियर केस के साथ यदि कुछ ख़राब हो जाता है, यदि आपके साइकिल का गियर केस ख़राब हो जाता है, सेल द मशीन, तो साइकिल को बेच दो, मशीन को बेच दो एंड बाई ए न्यू वन, और एक नई मशीन खरीद लो। इट कम चीपर, यह कम कीमत में आ जाएगी। ही सैड, उसने कहा, पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन। लोग ऐसी ही बातें करते हैं जो साइकिल के बारे में, जो मशीन के बारे में कुछ नहीं जानते। नथिंग इजियर दैन टेकिंग ऑफ ए गियर कैश, एक गियर कैश उतारने से आसान तो कुछ भी नहीं है। आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट, मुझे स्वीकार करना पड़ा कि वो ठीक कह रहा है। इन लेस देन फाइव मिनट्स, 5 मिनट से भी कम समय में, ही हैड द गियर कैश इन 2 पीसीज, उसके पास वो गियर कैश 2 टुकड़ों में था, लाइंग ऑन पाथ, रास्ते पर पड़ा था। एंड वाज ग्रोवलिंग फॉर स्क्यू, और वह उसके पेचों को घुटनों के बल लेटकर ढूंढ रहा था। ही सैड इट वाज ऑलवेज ए मिस्ट्री टू हिम, उसने कहा था कि यह उसके लिए हमेशा रहस्यपूर्ण है। द वे स्क्रू डिसअपीयर्ड, जिस तरीके से पेच गायब हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी, एक साधारण सी बुद्धि लगातार मेरे अंदर फुसफुसाती रही। स्टॉप हिम, उसे रोक दो, बिफोर ही डज एनी मोर मिस्चीफ, इससे पहले कि वो और गलती करे। यू हैव ए राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम रेवेज ऑफ लुनेटिक, आपको किसी पागल व्यक्ति द्वारा आपकी संपत्ति को नष्ट होने से बचाने का अधिकार है। यू हैव राइट, आपके पास अधिकार है टू प्रोटेक्ट, सुरक्षा करने का, योर प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति का, फ्रॉम ए रेवेज ऑफ लुनेटिक, एक पागलपन के विनाश से। टेक हिम बाई द स्क्रफ ऑफ द नेक, उसे गर्दन से पकड़ो, एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट, और लात मारकर गेट से बाहर निकाल दो। बट आई एम वीक, परंतु मैं कमज़ोर था। व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग, बट आई एम वीक, परंतु मैं कमज़ोर हो जाता हूँ। व्हेन, जब भी, इट कम टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग, जब दूसरे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने की बात आती है। एंड आई लेट हिम मडल डाउन, और मैं इन्हीं बातों में, मैंने उसी उन्हीं बातों में उसे उलझाए रखा। ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रू, ही गेव अप, उसने छोड़ दिया लुकिंग, ढूंढना, फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रू, बाकी के पेचों को। ही सैड स्क्रू हैड ए नेक ऑफ टर्निंग अप व्हेन यू लिस्ट एक्सपेक्टेड देम, उसने कहा कि पेच स्क्रू हैड नेक ऑफ टर्निंग अप, अपने आप ही सामने आ जाते हैं। व्हेन यू लिस्ट एक्सपेक्टेड देम, जब उनकी आपको बहुत ही कम आवश्यकता हो, जब आपको उनके लिए उम्मीद बहुत ही कम हो। दैट नाउ,
परंतु अब ही वुड सी टू द चैन, वह चैन को देखेगा। ही टाइटन इट टिल इट वुड नॉट मूव, उसने उसे इतना कस दिया कि वो हिली तक नहीं। नेक्स्ट और आगे, ही लूजन इट अनटिल इट वॉज ट्वाइस एज लूज एज इट बिफोर, उसने उसे इतना ढीला कर दिया। नेक्स्ट आगे, ही लूजन इट, उसने इसे ढीला कर दिया अनटिल इट वॉज ट्वाइस, दोगुना, एज लूज, उतना ढीला एज इट वॉज बिफोर, जितनी वो पहले थी, यानी पहले से भी दुगुनी ढीली उसने उसको कर दिया। देन ही सैड, तब उसने कहा, वी हैड बेटर थिंक अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील बैक इन टू इट्स प्लेस अगेन। देन तब ही सैड, उसने कहा था, वी हैड बेटर थिंक, हमारे लिए अच्छा होगा कि हम सोचे अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील, वापिस उस पहिए को लगाना, बैक इनटू इट्स प्लेस, उसके स्थान पर अगेन, दोबारा। तब उसने कहा कि हमारे लिए अच्छा होगा कि हम अगले पहिए को दोबारा उसके स्थान पर लगा दें। आई हैड द फोर्क ओपन, मैंने चिमटे को खोल कर पकड़ा। एंड ही वॉरिड विद द व्हील, और वह पहिए पर लग गया। एट द एंड ऑफ द 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंत में, आई सुजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया, ही शुड होल्ड द फोर्क, कि उसे चिमटा पकड़ना चाहिए। एंड दैट आई शुड हैंडल द व्हील, और तब मैं इस पहिए को लगाऊंगा। एंड चेंज प्लेस, और हमने अपने स्थान बदल दिए। एट लेंथ, कुछ समय बाद, वी डिड गैट थिंग इन टू द पोजिशन, हमने सारी वस्तुएं, सारी चीज़ें अपनी स्थिति में लगा दी। एट द मोमेंट इट वॉज इन पोजिशन, ई बस्ट आउट लाफिंग, और उस क्षण जब प्रत्येक चीज़ अपनी स्थिति में आ गई, ही बस्ट आउट लाफिंग, वह फूट कर हंसने लगा। आई सैड, मैंने कहा, व्हाट्स द जोक, क्या मजाक है। ही सैड, उसने कहा, वेल, अच्छा, आई एम एन एस, क्या मैं गधा हूँ। इट वॉज द फर्स्ट थिंग ही हैड सैड द मेड मी रिस्पेक्ट हिम, ये वो पहली बात थी जो उसने कही थी जिसके कारण मैंने उसका सम्मान किया। आई आस्क्ड हिम, मैंने उसे पूछा, व्हाट हैड लेड हिम टू द डिस्कवरी, किस बात का आपको कैसे पता चला, ये कौन सी बात, किस कारण आपको ये पता चला कि आप गधे हैं। ही सैड, उसने कहा, वी हैव फॉरगॉटन द बाल्स, हम इसके अंदर गोलियां डालना तो भूल ही गए। आई लुक्ड फॉर माई हैट, मैंने अपनी टोपी ढूंढी, इट वॉज लाइंग टॉपसी टर्वी इन द मिडल ऑफ द पाथ, यह रास्ते के ऊपर, रास्ते के बीच में औंधे मुंह पड़ी थी, यानी पलटी हुई पड़ी थी। ही वॉज ऑफ चीयरफुल डिस्पोजिशन, वह प्रसन्नचित मुद्रा में था। ही सैड, उसने कहा, वेल, अच्छा, वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड, जितनी भी हमें वो गोलियां मिलती है उन्हें हमें वापस लगाना होगा, ट्रस्ट टू प्रोविडेंस, इसके लिए विश्वास करो। वी फाउंड 11, हमें 11 गोलियां मिली। वी फिक्स सिक्स ऑन वन साइड, वी फिक्स सिक्स ऑन वन साइड, हमने 6 गोलियां एक तरफ लगाई, एंड 5 ऑन द अदर, और 5 गोलियां दूसरी तरफ। एंड हाफ एन आवर लेटर, और आधे घंटे बाद, द व्हील वॉज इन इट्स प्लेस अगेन, पहिया दोबारा अपने स्थान पर था। इट नीड हार्डली बी एडिड, आगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, दैट कि इट रियली डिड वॉबल नाउ, अब ये वास्तव में हिल रहा था, लड़खड़ा रहा था। ए चाइल्ड माइट हैव नोटिस इट, बच्चे भी इस बात को देख सकते थे। ही सैड इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट, उसने कहा कि वर्तमान में इससे काम चल जाएगा। आई सैड, मैंने कहा, वॉचिंग यू डू ऑल दिस इज ऑफ रियल यूज टू मी, वॉचिंग यू डू दिस, ऐसा करते हुए तुम्हें देखने पर, ऑफ रियल यूज टू मी, कि आपने मुझे वास्तव में मेरे लिए काम किया है। इट इज़ नॉट ओनली योर स्किल दैट फैसिनेट मी, तुम्हारा ये कौशल ही नहीं है जिसने मुझे आकर्षित कर दिया, इट इज़ योर चीरी कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, ये वो तुम्हारा प्रसन्नचित आत्मविश्वास है जिसने मुझे प्रभावित कर दिया। यू आर इनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस, तुम्हारी
कभी न समाप्त होने वाली, कभी न टूटने वाली आशा ने, दैट डज मी गुड, जिसने मुझे प्रसन्न कर दिया, अच्छा बना दिया। दस इनकोरेज, इस प्रकार प्रोत्साहित होकर ही सेट टू वर्क, वह अपने काम पर लग गया। टू रीफिक्स द गियर केस, गियर केस को दोबारा फिक्स करने के लिए। स्टूड द बाईसाइकिल अगेंस्ट द हाउस, उसने साइकिल को घर के सहारे खड़ा कर दिया। एंड वर्क फ्रॉम द ऑफ साइड, और दूसरी तरफ से काम करना शुरू कर दिया। देन स्टूड इट अगेंस्ट ए ट्री, तब उसने साइकिल को एक पेड़ के सहारे खड़ा किया। एंड वर्क फ्रॉम द ऑन साइड, और फिर दूसरी तरफ से काम करना शुरू कर दिया। देन आई हेल्ड इट फॉर हिम, तब मैंने उसे उस साइकिल को उसके लिए पकड़ा। वाइल ही ले ऑन द ग्राउंड विद हिज हेड बिटवीन द व्हील, जबकि वह जमीन पर लेटा हुआ था, विद इन हिज हेड, अपना सिर बिटवीन द व्हील, पहियों के बीच में लेकर। एंड वर्कड एट इट फ्रॉम द बिलो, और नीचे ही उसके ऊपर काम किया। ड्रॉप्ड ऑयल अपॉन हिमसेल्फ, उसके ऊपर तेल गिर रहा था। देन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी, तब उसने साइकिल को मेरे से ले लिया। एंड डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस इट टिल ही लॉस्ट हिज बैलेंस, एंड डबल्ड, और दोगुनी ताकत से हिमसेल्फ अक्रॉस इट, उसे हिलाता रहा, टिल जब तक ही लॉस्ट हिज बैलेंस, वह अपना बैलेंस नेक हो गया। एंड स्लाइड अवर ऑन टू हिज हेड, और उसके सिर पर फिसल कर गिर गया। देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर, तब उसे गुस्सा आ गया। एंड ट्राइड बुलिंग द थिंग, और उस वस्तु को धमकाने का प्रयत्न करने लगा। द बाईसाइकिल, साइकिल, आई वॉज ग्लैड टू सी, मुझे देखकर खुशी हो रही थी। शोर्ड स्प्रिट, उसने भी अपनी जोश दिखाया। एंड सबसिक्वेंट प्रोसीडिंग डी जनरेटेड इन टू लिटल एल्स देन ए रफ एंड टूमल फाइट बिटवीन हिम एंड मशीन। एंड द सबसिक्वेंट प्रोसीडिंग, और परिणाम स्वरूप प्रक्रिया ने डी जनरेटेड कम कर दिया लिटल एल्स इसकी बजाय, और इसका परिणाम इसकी बजाय कम हो गया, यानी विपरीत निकला। देन ए रफ एंड टम्बल फाइट, तब अफरा तफरी की लड़ाई हुई बिटवीन हिम एंड मशीन, मशीन और उसके बीच में। वन मोमेंट द बाईसाइकिल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ, एक क्षण में साइकिल उन कंकरों वाले रास्ते पर होता। एंड ही ऑन टॉप ऑफ हिट, और वह उसके ऊपर होता। द नेक्स्ट, और अगले ही क्षण द पोजिशन वुड बी रिवर्स, स्थिति बिल्कुल उल्टी हो जाती। ही ऑन द ग्रेवल पाथ, वह उन कंकरों वाले रास्ते पर होता। एंड बाईसाइकिल ऑन हिम, और साइकिल उसके ऊपर होता। नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लस्ट विद द विक्ट्री, द बाईसाइकिल फर्मली फिक्स्ड बिटवीन हिज लेग्स। नाउ अब ही वुड बी स्टैंडिंग, वह खड़ा हो जाएगा, फ्लस्ट विद द विक्ट्री, विजय की मुद्रा में। द बाईसाइकिल फर्मली, साइकिल शक्ति से फिक्स्ड बिटवीन हिज लेग, उसकी टांगों के बीच में फिक्स था। बट हिज ट्रियम्फ वुड बी शॉर्ट लिव्ड, परंतु उसकी विजय केवल थोड़ी सी देर की थी। बाई ए सडन क्विक मोमेंट, एक अचानक और तेज हलचल से, इट वुड फ्री इट सेल्फ, उसने अपने आप को मुक्त कर लिया। एंड टर्निंग अपॉन हिम, और उसकी तरफ पलटते हुए, हिट हिम शार्पली, उसे तेजी से मारा ओवर द हैंड, सिर पर, विद वन ऑफ इट्स हैंडल, अपने एक हैंडल के साथ। एट क्वार्टर टू वन, लगभग पौने एक बजे, डर्टी एंड डिसॉल्व, गंदा और अव्यवस्थित, कट एंड ब्लीडिंग, चोट खाया और खून बहता हुआ, ही सैड, उसने कहा, आई थिंक दैट विल डू, मैं मानता हूँ कि ऐसा अब काम चल जाएगा। एंड रोज, और वह खड़ा हुआ। एंड वीप्ड हिज ब्रो, और अपने माथे को पोंछा। द बाईसाइकिल लुक्ड एज इफ इट आल्सो हैड इनफ ऑफ इट, साइकिल ऐसे दिखाई दे रहा था मानो उसके साथ काफ़ी कुछ किया जा चुका है। विच हैड रिसीव्ड मोस्ट पुनिशमेंट, इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू से, जो इतनी सजा प्राप्त कर चुका है जिसको कहना बड़ा मुश्किल है। आई टुक हिम इन टू द बैक किचन, मैं वापस उसे अपने रसोई घर में ले गया, वेयर जहाँ पर सो फार एज वाज पॉसिबल, जितना संभव हो सकता था, ही क्लीन हिमसेल्फ, उसने अपने आप को साफ किया। देन आई सेंट हिम होम, और तब मैंने उसे घर भेज दिया। जीरोम के जीरोम, थैंक यू।